नमस्कार दोस्तों, डायरेक्टर नितेश तिवारी की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म है रामायण, जिसे वो 3 पार्ट में बनाने जा रहे हैं और इसकी कास्टिंग जो है धीरे धीरे लॉक होती जा रही है। अभी तक जो है मुख्य किरदार लॉक हो चुके हैं। राम के रूप में रणबीर कपूर को साइन कर दिया गया है, साई पल्लवी सीता का किरदार निभाएगी और यश जो है वो रावण का किरदार निभाने वाले हैं। अब इसके आगे की कास्टिंग के बारे में जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक केकई का रोल निभाने के लिए लारा दत्ता को अप्रोच किया गया है। उनको लगता है डायरेक्टर को कि ये जो है केकई का रोल जो है बहुत जबरदस्त है, जिनके कारण ही राम को वनवास हुआ और सारी कहानी जो है यहां पर घूम कर रह गई थी। इसके बाद अगला कैरेक्टर जो है हनुमान जी का, जो कि मुख्य बहुत ही मुख्य किरदार है जिसको हम सभी लोग पूछते हैं जिनको, तो उसके लिए इस बार सनी देओल को साइन किया जा रहा है। जी हाँ, गदर मचाने वाले जो है सनी देओल, उनको साइन करने की बात चल रही है। इसके बाद कुंभकर्ण का रोल निभाने के लिए सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल को साइन करने की बात चल रही है। अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, हालांकि खबरों के मुताबिक इन लोगों से बात चल रही है, ये अपडेट है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से सनी देओल जो है हनुमान के रूप में नजर आएंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि बॉबी देओल किस तरह से नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस बार कमान संभाली है डायरेक्टर नितेश तिवारी ने, जो कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनके नजर में जो उनके फिल्मों के जो पात्र होते हैं, जो किरदार होते हैं, उसके लिए वो परफेक्ट आर्टिस्ट ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं कि पिछली बार जैसे कि आदि पुरुष फिल्म में हुआ कि यहाँ पर राम के रूप में प्रभास बिल्कुल भी फिट नहीं नजर आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वहां पर तो स्टारडम देखा गया, उस हिसाब से लोगों को साइन किया गया था। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, उस फिल्म ने बहुत निराश किया था। लेकिन इस बार बात जब फिल्मी रामायण की हो रही है और नितेश तिवारी जिसे डायरेक्ट करने जा रहे हैं, वो भी 3 पार्ट में, जी हाँ, Part 1, Part 2, Part 3 आएगी, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है और बहुत लंबी फिल्म बनने वाली है, सीरीज बनने वाली है। तो यहां पर लोगों की उम्मीदें जुड़ गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको साथ जो है मैं ये खबर शेयर करूं। और आप ये ना सोचे कि यहां पर कास्टिंग क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां पर डायरेक्टर नितेश तिवारी टाइम दे रहे हैं कास्टिंग के लिए। बहुत ज्यादा उनका सुलझा हुआ अप्रोच होता है, वो ऐसे ही किसी को साइन नहीं करते हैं। तो उनकी कास्टिंग पर, कहानी पर, उनके कंटेंट पर, उनके क्रिएटिविटी पर कोई सवाल अभी तक तो नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई है सभी के सभी सुपरहिट रही है विद द मैसेज। अब बात है फिल्मी रामायण की, और रामायण का ये वर्जन, फिल्मी वर्जन लोगों को कितना पसंद आएगा ये तो वक्त आने के साथ पता चलेगा। फिलहाल तो मार्च 2024 से फिल्म की शूटिंग होने जा रही है, इसलिए फटाफट जो है कास्टिंग की लॉक करने की तैयारी की जा रही है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए टॉपिक या फिर नए रिव्यू के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।